प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी का लक्ष्य जम्मू कश्मीर का तेज विकास है। आज मैं जम्मू कश्मीर के तेज विकास की भावना को ऊर्जावान बनाने का संदेश लेकर आपके बीच आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज कश्मीर के मेरे भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल 7 जिलों में के पहले दौर का मतदान शुरू हुआ। हम सभी के लिए यह खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए अपने घरों से निकले। किश्तवाड़ा में 80% से ज़्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज़्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज़्यादा वोटिंग और कई सीटों पर वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए। ये एक नया इतिहास है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बनेंगे।